जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जनता से अपील करता हूं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में दमोह नगर को नंबर वन बनाना है, उसमें अपना सक्रिय भागीदारी दें। साथ ही जलकर, संपत्ति कर, समाकेती कर का भुगतान समय से करें और पॉलीथीन का उपयोग न करें। जन्म मृत्यु का पंजीयन समय से कराएं। नलों में टोंटी लगा के रखें। पानी का अपव्यय न करें। देखो, कंपास से भी नहीं बनेगी इतनी गोल। जरा सा बदलाव रिश्तों की सेहत के लिए अच्छा है, तो क्यों ना अपनों का खाना धारा ऑयल में बनाएं और रिश्तों की सेहत बढ़ाएं। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। हमलावर तेंदुआ एक बार फिर कैमरे में कैद हुआ है। ड्रोन कैमरे में तेंदुआ झाड़ियों के बीच छिपा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर भी तेंदुए का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह सूखी हुई घास के बीच बैठा दिखाई दे रहा है। दरअसल दमोह शहर से सटे देवरान ग्राम में बुधवार को तेंदुआ दिखाई देने के बाद हड़कंप मच गया था। वहीं दिन भर वन अमला तेंदुए को पकड़ने के प्रयास में लगा रहा। वहीं देर शाम पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम भी गांव पहुंची, लेकिन गुरुवार की सुबह गांव में तेंदुआ नहीं दिखाई दिया। तेंदुए की लोकेशन लगातार पता करने की कोशिश पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम द्वारा की जा रही थी। इसी दौरान दोपहर में अबाना के पास बिजौरा खमरिया गांव में तेंदुए द्वारा एक व्यक्ति पर हमला करने की खबर सामने आई। मामले की जानकारी लगते ही वन अमला और पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम बिजौरा खमरिया की ओर रवाना हो गई, जहां ड्रोन कैमरे की मदद से तेंदुए की लोकेशन पता करने का प्रयास किया गया। ड्रोन कैमरे में तेंदुआ घास के बीच घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा तेंदुए के पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।